फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता, रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग रियल स्टेट डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो डिस्कशन का पॉइंट ये है कि 25-30 साल से जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट टाइम में लास्ट ईयर जो रेट डबल हो गए थे, डेढ़े हो गए थे, अब वो रेट ऐसे होने की मुझे उम्मीद नहीं है। नंबर टू, यहाँ पर साइज़ ऑफ द प्लॉट 26 मीटर है, 32 मीटर है, 60 मीटर है। और जैसे बताता रहा हूँ, 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर में भी आप 60 मीटर प्लॉट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आने वाले टाइम में 5 साल में मैं बात करूँ तो 60 मीटर का प्लॉट 2-2.5 करोड़ रुपये का होने की उम्मीद है। छोटे प्लॉट में ग्रोथ आती है बट ग्रोथ कम आती है। या फिर 32 मीटर का जो जोड़ा है वो 60 मीटर को क्रॉस करेगा, आप ले तो 32 मीटर का प्लॉट कम से कम लीजिए। आज मैं बताना चाहता हूँ, आपका अगर प्लॉट है, मीटिंग करके आप प्लॉट बेचना चाहते हैं, सोना गुप्ता प्रॉपर्टी सेक्टर 34C5 में जो ऑफिस है, आप हमारे पास आइए और हम पूरा 34-35 का काम करते हैं। 34 सेक्टर का कोई भी ब्लॉक हो, ए ब्लॉक हो या सी ब्लॉक हो, हम सभी का काम करते हैं। A1, 2, 3, 4 या फिर सेक्टर 34 में C1, C2, C3, C4, C5, C6 किसी भी पॉकेट का है, हम सभी जगह का काम करते हैं। अब अगली बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास प्लॉट है बाज़ार से लिया या फर्स्ट पार्टी, आप सेल करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है बाज़ार से कि शॉर्ट टर्म में आपका काफ़ी गेन हो चुका है, आप अपने प्लॉट को बेच दीजिए। क्योंकि हम तो ट्रेडर हैं और ट्रेडर का मतलब ये है कि हमने ब्रोकरेज पे काम करना है, कमीशन आपसे लेना, कमीशन पार्टी से लेना, और आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और हमें उनको सर्विसेज देनी है। इसके साथ इन एरिया में बिजली, पानी, सड़कें, सीवरेज सब कुछ अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है। आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, बट रहने के लिए मुझे लगता है कि 2-3 साल के समय की और ज़रूरत है। अब अगली बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैं रोहिणी की बात करूँ, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 तो आज हमारे पास 25,000 प्लॉट के करीब की इन्वेंट्री है। तो समय लगेगा डाइजेस्ट होने में, समय लगेगा मकान बनने में। आप ये सोचें कि हर साल हर 6 महीने में डबल ट्रिपल हो जाएगा, आप गलती पर हैं। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप लोन लेके कोई प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। रीज़न बीइंग के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तकरीबन 9% के करीब लगेगा, और 9% के आजू बाजू में ही आपको ग्रोथ मिलेगी, कई बार वो शॉर्ट टाइम के लिए ग्रोथ भी नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, अगला मैं बताना चाहता हूँ, 60 मीटर का प्लॉट लेते हैं तो वो 2 करोड़ रुपये का 5 साल में होने लायक है, और 32 मीटर का पेड़ लेंगे तो वो भी 2 करोड़ रुपये के करीब होने की उम्मीद है। अब मेरे दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रियल स्टेट में अभी टाइम नहीं है। जब तक आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर नहीं है, आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं, हमें मार्केट की चाल थोड़ी समझ आ जाती है, रिस्क ले सकते हैं, और हमारे पास कम पैसे या पैसे ना के बराबर होते हुए भी हम लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं, कर पाते हैं। रीज़न भी कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी एक बेस बन के चलते हैं। दूसरा, मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्रोकर्स हैं, उनसे हमारी टाई अप होती है, उन लोगों के माध्यम से भी हमारा कुछ माल और उनका माल कुछ हम बेच पाते हैं। आप लोग ट्रेडिंग का सोचते हैं तो आप गलती पर हैं, प्लीज़ डोंट ट्रेड इन रियल स्टेट। शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग में पूरा लॉस हो जाता है, रियल स्टेट में भी आपका जो बयाना गया होगा वो पूरा लॉस हो सकता है। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ कि रियल स्टेट का एक फंडा है जो आप याद हमेशा रखिए कि इन्वेस्टिंग इनटू प्रॉपर्टीज इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टिंग इनटू ज्वेलरी। जैसे शादी के टाइम से आज तक ज्वेलरी आपके पास है, आपने कोई भी ज्वेलरी ली है, आइदर इट इज सिल्वर और गोल्ड, आपके पास आज भी है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 2-5 साल का पीरियड कम से कम मान के चलेंगे, अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, उसका प्रॉफिट लेना है। और अगर आप 10-8 साल का पीरियड आप ले कर चलते हैं और भी अच्छा है। से लाइक अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ, इफ़ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 30-40 ईयर्स, अप्रोक्स 45 ईयर्स, तो यू हैव ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, और इसमें आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। पोर्टफोलियो का मेरा मतलब ये है, कुछ आप सोचिए कि ग्रोथ आ जाए, कुछ आप सोचिए रेंटल वैल्यू आपके पास आने शुरू हो जाए, और कुछ आप सोचिए कि एक छोटा भी मकान ले लेते हैं, उसका रेंटल वैल्यू बहुत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीज इज़ लेस,
जैसे मैं आज बात करूँ गुड़गांव में, कई बार मेरे पास बात निकल के आती है साइबर सिटी में 50 गज का मकान। दोस्तों 50 गज का मकान जो है ना वो आज 2.5 करोड़ रुपए का है और उसका रेंटल 2-2 लाख रुपए महीना आता है। तो ऐसी स्थिति रोहिणी के अंदर भी हो सकती है आने वाले टाइम में, जब यहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, फैसिलिटीज सब जगह अवेलेबल हो जाएगी, तो 28, 29, 30 2 लाख रुपये किराया नहीं देगा, तो मान के चलेंगे हम 15-17 हज़ार रुपये एक 60 मीटर का आज भी मिल रहे हैं, और 32 मीटर भी आने वाले टाइम में 10-12 हज़ार रुपये का रेंट हो जाएगा। 50 हज़ार रुपये 32 मीटर में सोच के चल सकते हैं 7-8 साल बाद, और 25 चौका 100 1 लाख रुपये आप 60 मीटर के प्लॉट में रेंटल आपकी पैसिव इनकम आनी शुरू हो सकती है। मेरे दोस्तों प्रॉपर्टी में कभी भी सोचते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, 2 साल 4 साल 5 साल कम से कम आप मान के चलिए, लोन लेकर भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं पहले तो आप ये देखिए कि क्या लोन देने लायक जो इंस्टॉलमेंट होगी आप कंफर्टेबल हैं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर रेट स्टैंड रह गए तो आप कहाँ खड़े होंगे। मेरे दोस्तों आपको रहने के लिए मकान चाहिए, जब आपके पास स्पेयर पैसे होते हैं तो ही आप रियल एस्टेट के बारे में सोचिए। हम ये सारे मौके देख चुके हैं, लालच में मत आइए किसी के कहने पे कुछ भी कि ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा। बहुत बारी ऐसा हुआ है 25-30 साल के टाइम में, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, आपने देखा होगा, आप इतिहास पढ़ भी लो। और इसके साथ रीड अबाउट प्रॉपर्टी इकोनॉमिक्स जो ये कहेगी कि शॉर्ट टर्म में एक बार बढ़ा हुआ फिर टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, और एप्रिसिएशन एक बार हो चुका है उसके बाद कूल डाउन पीरियड होता है। ऐसे एकदम आप गलती पर मत रहिए कि प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। यस, ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम प्रॉपर्टी बढ़ेगी मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ, 34 सेक्टर में कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिलवाऊँगा। आपके पास प्लॉट है भेज दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप 2-4-6 महीने के लिए सोचते हैं प्लॉट लेके आप प्रॉफिट कमा लेंगे, मेरे दोस्तों बेटर नॉट टू एंटर दिस मार्केट। दिस इज़ माय एडवाइस फॉर टुडे। थैंक यू।